जय श्री कृष्ण। आज हम भक्त शिरोमणि अम्बरीश जी महाराज अम्बरीश जी की भक्ति और उस भक्ति की महिमा देखते हैं। आज अम्बरीश राजकुमार से राजा बन गए हैं। वर्षों से एकादशी व्रत का पालन किया, सिर्फ एक ही इच्छा लेकर कि कभी हरि के दर्शन होंगे। कहीं एकांत किसी कोने में बैठकर रोने लगे हैं, पर अब बहुत सारी बातें मन में उमड़ घुमड़ कर आ रही हैं। मुझे ये राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम ही चाहिए। मैं स्वयं ही जब प्रसन्न नहीं हूँ तो प्रजा को क्या प्रसन्न रख सकूँगा। और ये सब वैभववादी मुझे नहीं सुहाते, तुम्हारे बिना सब फीका है, बेकार है, किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं। माना मैं नहीं जानता कि तुम्हारी पूजा कैसे की जाए, लेकिन तुम तो कृपालु हो, तुम तो कृपा करो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। व्यथित मन है। अब अम्बरीश जी की भक्ति कैसी है देखें तो किस किस चीज से उन्होंने चाहा है हरि को, किस किस तरह से चाहा है। रहता महल में पर तपस्वी से है कम जीवन नहीं, वो कौन सी है वस्तु जो हरि पर करी अर्पण नहीं। तन का हो या हो मन का आया बीच में बंधन नहीं, दीपक हो या हो पुष्प कैसे है किया वंदन नहीं। सांसें समय धड़कन किया किससे है हरि अर्चन नहीं, जप हो या पूजा पाठ हो अपना या क्या साधन नहीं। बालक हो या हो क्षुद्र जन सबको नमन करता गया, जो काज आया सामने उससे भी हरि भजता गया। माया न उसको छू सकी आगे वो यों बढ़ता गया, हरि को रमाया आप में और आप हरि रमता गया, और आप हरि रमता गया, और आप हरि रमता गया। लेकिन आज अब धैर्य साथ छोड़ रहा है, वे विकल हैं, हरि से दूरी सहन नहीं हो रही। ऐसा ही व्याकुल मन लिए वे अपने कक्ष की ओर बढ़ गए, लेकिन बाहर से ही एक बार को कदम ठिठक गए। ये भीतर कैसा प्रकाश जगमगा रहा है, कक्ष ज्योतिर्मय है, धड़कनों की गति तेज हो आई, नब्ज बढ़ गई, सिर चकराने लगा। अंदर आए तो देखा शैया पर नारायण लेटे हुए और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोचा भी ना था कि ऐसा दृश्य भी देखने को मिल सकता है, जब हमारा प्यारा स्वयं हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो, मतलब वो भी हमसे मिलना चाहता हो। अम्बरीश जी की हालत ऐसी हो गई कि अब क्या करूं, क्या ना करूं, इन्हें देखूं, रोऊं, इनका वंदन करूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं सूझा है। और जाकर गले लिपटाया है, मानो कि बिछड़ा मीत स्वामी और सजन घर आया है, मानो कि बिछड़ा मीत स्वामी और सजन घर आया है। उनके सांवले बदन पर अश्रु झर झर गिर रहे हैं, जैसे कि नीले बादलों पर कोई मोती बरसा रहा है। कैसे करूं स्वागत मैं अपने प्राण पूर्ण काम का, नाथों के भी इस नाथ परमानंद प्रभु सुख धाम का। तुम स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे यहाँ, और मैं वहां बैठा रो रहा था कि आ जाओ, इतने प्यार के तो मैं लायक नहीं हूँ। ठीक है कि हम जैसों का तुम्हारे बिना काम नहीं चलता, लेकिन तुम्हें कहाँ जरूरत है किसी और की। फिर भी अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो तृप्ति से भी बढ़कर तृप्ति हो गई। नारायण कहते हैं, जानता है अम्बरीश, आज मैं तेरी पुकार पर नहीं आया हूँ, अपनी तड़प से विवश होकर आया हूँ। मेरा हृदय मचल उठा था मिलने को, मैं रह नहीं पा रहा था दूर, तेरे प्रेम ने मुझे बड़ा सताया है रे, खींच लाया मुझे तुझ तक। मैं सदा तुझे अपने हृदय में रखना चाहता हूँ और तेरे मन में मैं निवास करना चाहता हूँ। तुझे राज्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है,
तू तो बस मुझे ही प्यार करता रहे, मैं भी नहीं चाहता कि मैं तेरे प्यार से वंचित रह जाऊं, इसलिए अपना सुदर्शन चक्र यहाँ देकर जाता हूँ, ये तेरे राज्य की रक्षा करेगा, तू निश्चिंत रहे। अम्बरीश जी के हाथ बरबस जुड़ गए, चरणों में आ गिरे, इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतना प्यार ना, वाणी सुनी ऐसी जो उसने, वो तो गदगद हो गया, वापस कभी आ पाया ना, हरि गलियों में ही खो गया। बोलो भक्त अम्बरीश जी की जय, बोलो भक्त प्रेमी नारायण की जय।